हाय गाइस, वेलकम बैक आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन का, इन इनटू इनसाइड। इन इनटू इनसाइड की मीनिंग क्या होगी? तुम में, अंदर, भीतर। में, अंदर, भीतर, ये हो गई इसकी मीनिंग। प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन वह छोटा सा बच्चा है जो अपने माँ और पिता के बीच के संबंध के बारे में बताता है। जैसे कि कह दिया जाए कि ये हो गए मम्मी, ठीक है, ये हो गई मम्मी, ये हो गए पापा, ठीक है, और इसमें इसी के बीच में है छुटकू। क्या है? इसी के बीच में है छुटकू। अब एक हाथ क्या होता है? पापा छुटकू को पकड़े होते हैं, एक हाथ मम्मी क्या होती है, एक हाथ मम्मी पकड़ी होती है। अब जब जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई भी माता पिता बच्चे को मेला लेकर जाते हैं, तो वहां पर आप रिलेट क्या करता है, रिलेशन को बताने का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? ये दो नाउन के बीच में रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन हो, उनके बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। जैसे ये क्या है, मम्मी है, ये है पापा। अब इसके बीच में जो छोटकू है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम कर रहा है कि ये ही मम्मी पापा है, ये ही क्या है, मम्मी पापा है। इन दोनों को रिलेशन बताने का काम करता है। मतलब प्रीपोजिशन वह छोटा सा बच्चा है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में रिलेशन को बताता है। अब बात आ रही है कि इन इनटू इनसाइड, में अंदर भीतर, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप देखेंगे इनटू का यूज में, कि जैसे कि मान लो कि ये क्या है, ये हो गया एक मकान हो गया, ठीक है। अब मकान के बीच में यहां पर एक लगा हुआ है गेट, ये क्या हुआ है, ये गेट है। और आप क्या कर रहे हैं, आप एक मस्तानी चाल में, आप एक मस्तानी चाल में क्या करते हुए, बढ़िया आराम से चलते हुए आ रहे हैं। अचानक आपने आप पहुंचे कहां पर, गेट पर पहुंचे। गेट पर आपके पापा खड़े हैं। गेट पर कौन है? आपके पापा खड़े हैं। आपकी जितनी मस्तानी चाल थी, सब की सब वही, बिल्कुल जैसे ही आपने गेट पर देखा पापा को, आपकी फिजिकल अपीयरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जैसे ही आप दरवाजे पर पहुंचे, आपने पिताजी को देखा, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या हुआ, चेंज हो गया। मतलब आप नाचते हंसते गाते हुए आ रहे थे, आपने पिताजी को देखा, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया। वो पूछे कहाँ थे, आपने सर झुकाया और चुपके से अंदर चले गए, या तो आप पर एक दो थप्पड़ पड़ गया। अब मान लो आप फिर उसी दृश्य से आ रहे हैं, और अचानक आपकी क्या हुआ, आपकी मम्मी जी मिल गई आपको। दरवाजे पर कौन मिल गया, मम्मी जी मिल गई। अब आप जब मम्मी जी के पास पहुंचे, क्या हुआ, आप मम्मी कहाँ थी, जैसे मम्मी ने पूछा आप कहाँ थे, आपने बताया अरे मम्मी इधर उधर घूम रहे थे, ऐसे यहीं थे पास में ही, तो बोल रही होंगे घुमंडा लगा लो। दूसरी चीज मान लो ये हो गया, अब आपके ना तो मम्मी मिली ना मिले पापा, आपको मिल गया आपका छुटकू भाई। क्या मिल गया, छुटकू भाई मिल गया। अब दरवाजे पर जैसे ही वो आया, आपने क्या किया, दरवाजा खटखटाया, उसने नॉक किया, दरवाजा उसने खोला। दरवाजा जब उसने खोला, आपने उसे दो थप्पड़ बजाया, दो थप्पड़ बजाया, पूछा कहाँ था भाई, तक दरवाजा नहीं खोला, इतना देर से टहल घूम के आए हैं। तो आपकी क्या हुई, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती गई। पापा थे तब आपका फिजिकल अपीयरेंस दूसरा था, मम्मी थी तब आपका फिजिकल अपीयरेंस दूसरा था, और जब आपका छुटकू था तब आपका फिजिकल अपीयरेंस दूसरा था। पापा थे तो आपने कुछ नहीं बोला, मम्मी थी तो अरे मम्मी ऐसे ही बोल दिया, और फिर जब छुटकू हुआ तो उसको आपने क्या किया, बचाया। अब बात आ रही है फिजिकल अपीयरेंस क्या है, तो आप बढ़िया मस्तानी चाल में आ रहे थे, पापा को देखा बिल्कुल साइलेंट हो गए, फिर आप बढ़िया मस्तानी सी चाल में आ रहे थे, मम्मी को देखा, ये मम्मी, आपने स्माइल की और अंदर चले गए। छुटकू था, आपके फिजिकल अपीयरेंस में क्या हुआ, आपने उसको पहले दो बजाया, दो थप्पड़ लगाया, फिर आप इंटर किए। तो मतलब जब कोई भी वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, क्या करते हुए, गद करते हुए, और उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, वहीं पर हम यूज करते हैं किसका, इनटू का। चलो ये बात छोड़ते हैं, दूसरी बात पर चलते हैं। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में देखा आपके गेट पर ही आपके प्रिंसिपल मिले, आप
दूसरे बिल्कुल साइलेंट होके चुपके से अंदर चले गए, गेट के इंटर कर दिया। आपके टीचर मिले, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ, कुछ दूसरे टाइप में चले गए। और फिर आप कक्षा में जब प्रवेश किए, जब कक्षा में कोई नहीं है, आपका फिजिकल अपीयरेंस, पहली सीट आगे वाली सीट मुझे मिल गई, ठीक है, उस पर आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ। अगर आपका खड़ूस फ्रेंड आपके बगल वाली आपकी सीट पर बैठ गया है, फिर आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया। तो जहां पर मोशन करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाया जाए, वहां पर आप इंटू का यूज करेंगे। दूसरी चीज, जब आप एक ही सीमा रेखा में, मतलब एक ही सीमा रेखा में कुछ भी करें, एक ही सीमा रेखा में कुछ भी करें, इन लगा के करें। एक ही सीमा मतलब कोई भी बाउंड्री हो, उस बाउंड्री के अंदर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। मतलब अगर आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास का भी एक घेरा होगा, अगर किसी घेरे में बैठे हैं तो आप इनका यूज करेंगे, स्कूल की बाउंड्री में बैठे हैं तो भी इनका यूज करेंगे, घर के अंदर बैठे हुए हैं तो भी इनका यूज करेंगे। अब आई बात इनसाइड की, अब जैसे मान लो जब आपने स्कूल में प्रवेश कर दिया, और प्रवेश करने के बाद पता चला कि आपके प्रिंसिपल यहां पर है, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल हैं, आपने किससे, पियोन से पूछा कि प्रिंसिपल सर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि बगल के बगल कमरे में बैठे हैं। तो जब क्या हो, बगल के बगल की बात हो या अंदर के अंदर की बात हो, तब वहां पर आप क्या करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में कैसे बनाएंगे कि क्या है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए, ही इंटर्स, ही इंटर्स, फ्रॉग जंप्स रिवर, ही इज सिटिंग क्लास, सी इज रनिंग चलो ये एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 छह, छह एग्जाम्पल है, इसको समझने की कोशिश करना। ही इंटर्स इन द क्लास, ओ सॉरी, हाँ, ही इंटर्स द क्लास। अब क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, कहां पर प्रवेश कर रहा है, क्लास में प्रवेश कर रहा है। तो मैंने क्या बोला है अभी कि जब आप किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करेंगे, आपका फिजिकल अपीयरेंस जरूर चेंज होगा। हाँ, किसी भी व्यक्ति की एक दिन में लगभग लाखों बार फिजिकल अपीयरेंस चेंज करता है। अभी आप सो के उठेंगे, आपका फिजिकल अपीयरेंस दूसरा होगा, फिर आप फ्रेश होंगे, फिजिकल अपीयरेंस दूसरा होगा, आप स्कूल के लिए रेडी होंगे, आपका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब हर एक मिनट आदमी क्या करता है, अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज करता है। अब यहां पर बात आई है कि ही इंटर्स द क्लास, अब आपने क्लास में प्रवेश किया, आपका अच्छा मित्र बैठा है, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। जब फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा, वहां पर आप क्या करेंगे, इंटू का यूज करेंगे। ही इंटर्स द रूम, आप कमरे में गए और कमरे में कोई नहीं है, बढ़िया अकेले हैं, तो आप वहीं पर जाएंगे, कभी नाचेंगे, कभी डांस करेंगे, कभी गाएंगे, कभी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटू का यूज करेंगे। द फ्रॉग जंप्स द रिवर, अच्छा जब क्या होगा,
जो मेढक है वो कहाँ है? बाहर है, नदी के बाहर है। और जो नदी में क्या करेगा, छलांग लगाएगा, तो उस समय उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, वो टाव टाव करेगा। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात आ रही है ही सीटिंग। अब क्या है द क्लास, अब वो क्लास में बैठा है, मतलब किसी घेरे में बैठा हुआ है। तो जब घेरे में बैठा है तो वहां पर क्या क्या यूज कर देंगे, इनका यूज कर देंगे। सी इज रनिंग द स्कूल, अब वो क्या, अच्छा हाँ, अब स्कूल में दौड़ रहा है, मतलब स्कूल का कोई भी स्कूल है, सबका एक बाउंड्री होता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, किसी बाउंड्री में दौड़ रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इनका यूज कर देंगे। द प्रिंसिपल इज सिटिंग द रूम, अब प्रिंसिपल का रूम क्या होता है, कमरे के अंदर होता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन साइड का यूज कर देंगे। प्रिंसिपल इज सिटिंग इन साइड द रूम। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करना, ना समझ में आया हो तो भी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।